तो दोस्तों आज फिर से मैं स्पोर्ट्स यारी से रिलेटेड एक वीडियो बना रहा हूँ। स्पोर्ट्स यारी लगातार 3 दिन से पूरा बंद हो चुका है। उसके पूरे के पूरे मेंबर, पूरे एडिटर सब लेफ्ट हो चुके हैं। शायद से एक एडिटर उसके अंदर बचा है। और उसके बाद मेंबर की बात की जाए तो सुशांत मेहता सर जो कि उसके ओनर है वो भी अभी उसके अंदर है। उसके बाद सुनील ओप सर जो कि बहुमा के नाम से जाने जाते हैं ये भी इसके अंदर चैनल के अंदर ज्वाइंट है। अगर से बात की जाए मनोज जिमरी सर ये भी लेफ्ट हो चुके हैं। रोहित जुगलान सर ये भी लेफ्ट हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं स्पोर्ट्स यारी से रिलेटेड 3 अपडेट लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि स्पोर्ट्स यारी को आप लगातार सपोर्ट करें, क्योंकि कुछ मेंबर के लेफ्ट होने की वजह से आप स्पोर्ट्स यारी का नुकसान नहीं कर सकते हैं। अगर से आप सुशांत मेहता सर के पहले से फ़ैन हैं तो आप स्पोर्ट्स यारी को ज़रूर फॉलो तो करेंगे। लेकिन जिस तरीके से 2 से 3 साल स्पोर्ट्स यारी ने मेहनत की है, 6.5 लाख सब्सक्राइबर गेन किए हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तो उनको सब्सक्राइब कर रहूँगा। आप भी उनको सब्सक्राइब ज़रूर करें और उनको सपोर्ट ज़रूर करें। तो दोस्तों स्पोर्ट्स यारी से रिलेटेड पहली अपडेट की बात की जाए तो सुशांत याग्निक सर जो कि खबर यार का प्रोग्राम रोज़ डेली चलाते थे सुबह सुबह मॉर्निंग में, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स यारी से वो भी लेफ्ट हो चुके हैं। स्पोर्ट्स यारी में वो भी प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो दोस्तों आप इस विषय में आप कमेंट क्या करना चाहते हैं कमेंट ज़रूर करिए। उसके बाद दूसरा टॉपिक ये है कि जो मनोज जिमरी सर है उनका ये कहना है कि मनोज जिमरी सर स्पोर्ट्स यारी को नहीं छोड़ना चाहते थे, और उसी के साथ साथ रोहित जुगलान सर भी स्पोर्ट्स यारी को नहीं छोड़ना चाहते थे। मतलब उनके पीछे से कोई दबाव आया है, कोई प्रॉब्लम आई है, वो फ्यूचर में कुछ अलग करना चाहते हैं। जिस तरीके से रोहित जुगलान सर ने उनके यूट्यूब चैनल में वीडियो बनाया था कि सब ख़त्म हो गया, ये बहुत गलत हुआ, जिस तरीके से वो नर्वस दिख रहे थे वीडियो के अंदर, तो मुझे तो नहीं ऐसा लगता कि वो स्पोर्ट्स यारी को छोड़ना चाहते थे। और जिस तरीके से उनकी यारी थी, जिस तरीके से वो फ्रेंड सर्कल बना रहे थे, उनका फ्रेंड सर्कल बन गया था, तो फैंस को भी दुख हो रहा है और हमें भी दुख हो रहा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसके बाद तीसरी अपडेट की बात की जाए तो अभी स्पोर्ट्स यारी में कोई वीडियो नहीं आ रहा है। स्पोर्ट्स यारी में कोई वीडियो नहीं आ रहा है और आप सोच रहे हैं कि वीडियो डेली कंटिन्यू हर अपडेट का वीडियो कब शुरू होगा। तो स्पोर्ट्स यारी की बात की जाए तो स्पोर्ट्स यारी में IPL 2023 से वीडियो शुरू हो सकते हैं, अपडेट के वीडियो शुरू हो सकते हैं, क्योंकि सुशांत मेहता सर कोई न्यू मेंबर की खोज में लगे हुए हैं और IPL 2023 को अच्छे से प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं यही 3 अपडेट लेकर के आया था। आपको ये अपडेट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये वीडियो बनाना पर्पस मेरा ये है कि स्पोर्ट्स यारी को आप सपोर्ट ज़रूर करिए और मेरे चैनल को भी सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसी वीडियोज़ के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और मैं क्रिकेट से रिलेटेड प्लेइंग 11 स्क्वाड और सभी एनालिसिस मैं मेरे चैनल के अंदर डालता हूँ। तो दोस्तों स्पोर्ट्स यारी की तरह मुझे भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। और थैंक यू, धन्यवाद।